सबको जय यीशु की। हर साल 7 जुलाई को संपूर्ण कलीसिया संत पैंतनोस का पर्व मनाती है। उनका जन्म 120 ईस्वी एथेंस में हुआ था। संत पैंतनोस बचपन में एक गैर क्रिस्ती थे और प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्हें धर्मशास्त्र का ज्ञान हुआ, वे क्रिस्त पर विश्वास करने लगे और उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया और उन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। वे मुख्य रूप से धर्मशास्त्र के सभी ग्रंथ को पढ़ते थे और उन्हें जिज्ञासा थी कि वे प्रभु के उन वचनों को पढ़ें जो उनके शिष्यों द्वारा लिखे गए थे। संत पैंतनोस धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिए हमारे देश भारत आए और प्रभु के वचनों का प्रचार करने लगे। वहीं उनकी मुलाकात क्रिस्त धर्म के एक समुदाय के साथ होती है, जो कि संत मत्ती द्वारा रचित सुसमाचार के कुछ पत्रों को पढ़ रहे थे, जो कि इब्रानी भाषा में लिखे थे। कहा जाता है कि ये पत्र उन्हें संत बर्थुलमय के द्वारा दिए गए थे। संत पैंतनोस अपने प्रवचनों के द्वारा कई गैर क्रिस्तियों के मन परिवर्तित कर देते थे और उन्हें प्रभु के और पास लाने का कार्य करते थे। उनकी मृत्यु 216 ईस्वी में मिस्र में हुई। आइए आज हम भी संत पैंतनोस की सिफारिश के द्वारा प्रभु के आगे निवेदन करें कि वे हमें भी अपने वचनों का ज्ञान दें।